एक और मरी हुई चिड़िया को अंतिम संस्कार के लिए नीमतला शमशान घाट ले जाया जा रहा था। बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी, होड़ी बोल। अरे भाई जल्दी चलो, शाम होने से पहले ही हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। पता है ना क्या होगा, यहाँ से एक भी चिड़िया जिंदा नहीं लौटेगा। जल्दी चलो सब। फिर वो सभी जल्दी ही शमशान की ओर चले गए। फिर वहाँ पहुँच के चिता में आग लगाते हैं। तब लगभग शाम हो चुकी थी। तब चिता की आग बहुत तेज जल रही थी। शमशान घाट में चारों ओर अंधेरा छा गया और कभी कभी शमशान घाट के आसपास से लोमड़ियों के झुंड की आवाज सुनाई दे रही थी। अगर जीना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। थोड़ी देर बाद अचानक शमशान में और एक तंडव शुरू हो गया। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ की शाखाएं टूट के गिरने लगी। वो देखो, भूतों का तंडव शुरू हो गया है। भागो, सभी भागो, नहीं तो आज हम सभी मारे जाएंगे। तभी एक और भी भयानक घटना घटी। वो चिड़िया जलती हुई चिता में बैठकर पंख फड़फड़ाने लगी और उनके तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो सभी अधीर जली हुई चिड़िया को छोड़कर वहाँ से भाग गई। नीमतला के इस शमशान घाट में ऐसी ऐसी भूतिया घटना घटती है, कोई चिड़िया दिन में भी वहाँ आने से डरते हैं, कोई वहाँ अकेले आने की हिम्मत नहीं करता, और अगर गलती से भी कोई शाम के बाद वहाँ आ भी जाए तो वो जिंदा नहीं बचते। उसका मौत बहुत ही भयंकर और दर्दनाक होता था, क्योंकि उस शमशान घाट में रहते थे एक चुड़ैल और एक डायन, जिसकी मृत्यु एक दुर्घटना से हुई थी। मुझे ये आधा सड़ा हुआ मांस नहीं खाना। कब से मैंने कंचा मांस नहीं खाया। कितने दिन हो गए, ताजे खून की खुशबू भी नहीं मिली। अब तो कोई इस शमशान में अकेला आता ही नहीं। कोई तांत्रिक चिड़िया भी यहाँ यज्ञ करने के लिए नहीं आते कि उसको ही मार के अपना प्यास बुझाओ। कल ही काशी की अमावस्या है और इसीलिए हमारा ताकत दुगना हो जाएगा। कल हम यहाँ से ही कोई ना कोई शिकार जरूर ढूंढ लेंगे। अगली सुबह पास वाली जंगल की मैक्स ईगल इस जंगल के बाजार में बॉबी गिद की मांस की दुकान पर आए और बोले, बॉबी गिद, ये मुर्गे का मांस कितना करके दे रहे हो? अगर काट के देंगे तो 220 रुपया प्रति किलो। अगर आप जिंदा मुर्गा लेंगे तो दाम कुछ कम होगा। ईगल जी, आप कितना किलो लेंगे? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं लूंगा। आज रात को मेरे घर पर एक छोटा सा पार्टी है। मेरे दो बिटिया का आज जन्मदिन है और मुझे आज शाम तक 10-12 किलो ये मुर्गे का मांस चाहिए। क्या तुम ये मांस मेरे घर तक पहुँचा सकते हो? जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक समय पर मांस आपके घर पहुंच जाएगा। आप बस पता बता दीजिए। लेकिन नीमतला शमशान घाट पार करके मेरा घर जा पाओगे ना? बॉबी गिद मन ही मन कुछ सोचने के बाद मैक्स ईगल जी से कहा, मैं भूतों से नहीं डरता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बाबू, शाम होने से पहले मैं मांस लेके पहुंच जाऊंगा। शाम होने से ठीक पहले बॉबी गिद अपने ठेले पर 6-7 मुर्गियां बांधकर मैक्स ईगल जी के घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। नहीं, शाम होने से पहले ये सारे मुर्गियां डिलीवरी करना पड़ेगा, नहीं तो लौटने में रात हो जाएगा। सुना है वहाँ पर भूत रहता है, उसके ऊपर आज कौसे की अमावस्या है। आज भूतों का ताकत दुगनी हो जाती है, जल्दी जाना पड़ेगा। फिर वो थैला लेकर राम का नाम जपते हुए निकल पड़ता है।
भूत से मैं डरता नहीं, राम जी है सीने में, वो जीवन तो बेकार है डर डर से जीने में। नहीं नहीं, उस शमशान घाट की चूड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मेरा इस हाथ में तावीज है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी जाता हूँ मैं। चिड़िया की सुगंध, मैंने ठीक ही पहचाना, गीत पंछी की सुगंध, मुर्गी की आवाज भी सुनाई दे रही है, जरूर कोई आ रहा है। हा, हा, हा। आने दे उसको, फिर उसे मार के खून पीऊंगी। फिर बॉबी गीत शमशान घाट के पास पहुँच के जैसे ही वो सेवड़ा पेड़ के नीचे आए, तभी डायन और चूड़ल उनके सामने कूदते हैं। अचानक ऐसी डरावनी चेहरा देख के बॉबी गीत अपना ठेला लेकर वहीं रुक गया। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं पास वाले जंगल में ये मुर्गियाँ डिलीवरी करने जा रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, तुम चाहो तो यहाँ से एक मुर्गे ले सकते हो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। एक मुर्गा लेंगे? ये कहने के बाद ही चूड़ल ने अपनी लंबी हाथ बढ़ाया और बॉबी गीत की गर्दन मरोड़ दी। बॉबी गीत वहीं मर जाता है। फिर टायन और चूड़ल मिलके उन मुर्गियों को मार के उनके मांस कच्चा चबा चबा के खा जाते हैं। और इस तरह सारे मुर्गे खाने के बाद चूड़ल ने बोली, इस बॉबी गीत को अभी नहीं खाएंगे, चलो इसका रूप लेके हम जंगल के उस घर में जाते हैं, वहाँ और भी मांस मिलेगा। लेकिन हमने तो सारे मुर्गी खा ली, अब हम क्या लेकर जाएंगे? ये देखो मेरा कमाल। ये कह के चूड़िल ने बॉबी गीत को एक बड़ा सा मुर्गा बना देता है। फिर उसको ठेले में उठा के चूड़ल और डायन अपना रूप बदल कर मैक्स ईगल जी की घर की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर मैक्स ईगल उनसे कहते हैं, ए गीद, इतना देर क्यों लगाया, और ये क्या सिर्फ एक मुर्गे लाए हो, इतने में सब मेहमान का कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए, इस मुर्गी से ही सब मेहमान का खाना हो जाएगा, मैं अभी इस मुर्गी को काट देता हूँ और मेरा ये सहायक मांस पका देगा, देखना खाने के बाद सब मेहमान बहुत तारीफ करेगा। बॉबीगी, तुम्हारा चेहरा कुछ अलग सा लग रहा है, छोड़ो अपना काम जल्दी करो। फिर डायन और चूड़ल रसोई में जाते हैं और वहाँ उन्हें तरह तरह की स्वादिष्ट खाना दिखाई देता है। खाना देख के चूड़ल ने बोली, बहुत सारे खाना, कितने दिन हो गए हम स्वादिष्ट खाना नहीं खाए। तुमने ठीक ही कहा, पहले इस मरे हुए गीत का मंस उन सब को खिलाऊंगा, फिर उन सब का मांस हम खाएंगे। फिर उन्होंने उस मुर्गे की मांस पका के सभी पंछियों को खिलाया और उस मांस को खाने के बाद सभी बहुत बीमार पड़ गए। कोई उल्टियां करने लगे तो कोई बेहोश हो जाता है, तो किसी के पेट में बहुत दर्द होने लगा। दरअसल उन्होंने मुर्गे का मांस समझकर मरे हुए गीद का मांस खा लिया था। ये देखकर मैक्स ईगल जी गुस्से से रसोई की तरफ जाते हैं और वहां पहुंच के उन्होंने जो देखा उससे उसकी पूरा शरीर ठंड पड़ गई। ये क्या, रसोई में बॉबी गीद और उसका सहायक नहीं है, है एक चूड़ल और एक डायन जो गरम कढ़ाई से मांस उठा के खा रहा है।
और एक तो कच्चा मांस ही खा रहा था। ये देख मैक्स ईगल जी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर आके सभी को पूरी घटना बताई। और ये सब सुनने के बाद जंगल के एक पंछी ने बोला, अब इस डायन और चूड़ेल को भगाने की एक ही उपाय है, उस बरगद की पेड़ के नीचे जो योगिनी पंछी रहती है उनको बुलाना चाहिए, वही है जो हमें इस चुड़ैलों से बचा सकती है। इसके बाद सब मिलके योगिनी पंछी के पास गए और वहाँ जाके सारी बात बताए। फिर सब कुछ सुनने के बाद योगिनी पंछी ने मन ही मन सोचा, इस प्रकार आज मेरी साधना पूर्ण होगी। यदि मैं इस कौशिकी अमावस्या की रात्रि में उन दोनों आत्माओं को पकड़ सका तो मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं होगा और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। चलो मुझे वहां ले चलो। तब जंगल के सारे पंछी योगिनी पंछी को वहां ले गए और वहां जाकर योगिनी पंछी यज्ञ करने लगी। ओम क्रिं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रिं चामुंडाय नमः। बाहर आओ, आज तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बचोगे। मैं बहुत दिनों से तुम जैसे अतृप्त आत्मा की तलाश कर रही थी। ये कहते हुए जब योगिनी पंछी अपने यज्ञ अग्नि में आहुति दे रही थी तब डायन और चूड़ल छटफटाते हुए वहाँ प्रकट हुई। छोड़ दे हमें दुष्ट योगिनी, तूने क्या सोचा? हमें बंदी बना के तू तेरा काम करवाएगी? कभी नहीं, तू हमें कभी भी कैद नहीं कर। इतना बड़ा साहस तो ये ले। ये कह के योगिनी माँ कई तरह की मंत्र जपने लगी और उन दोनों आत्माओं को अपनी कुंडली में बंदी बनाकर योगिनी माँ ने बोली, अब डरने की कोई बात नहीं, ये दो आत्मा किसी का कुछ नहीं कर पाएगा, तुम सब निश्चिंत रहो। इतना कहकर योगिनी पंछी वहाँ से चले गए। लेकिन अगली सुबह सारे पंछियों ने देखा कि उसी बरगद की पेड़ के नीचे योगिनी चिड़िया मर के पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी गर्दन काट कर और पूरी शरीर को पंजों से चीरकर बुरी तरह से मार डाला है। आज भी कोई उस निमतला शमशान घाट अकेला जाने से डरता है और अगर कोई रात को गलती से भी वहां चले गए तो वो जिंदा नहीं लौटते। सोनाझुरे जंगल में टूनिम रहता था। वो बहुत ही गरीब था। रोज रात को जब जंगल में सब सो जाते थे तब उस जंगल में पास वाले जंगल से चौताली नाम के एक पंछी टायन निकल आता था। उस पंछी डायन ने रोज एक एक करके बकरी चोरी करती थी और जंगल में जाके बकरी को मार कर खाती थी। ऐसे ही हर रोज एक एक करके बकरी चोरी होती गई। एक दिन टूनिम अपने घर के आंगन में आके देखा कि फिर एक बकरी कम है। तब टूनिम अपने पत्नी को बुलाया और कहा, देखा टूनी, आज एक बकरा फिर से गायब हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कहां से क्या हो रहा है? आखिर में ये सब बकरी जा कहां रही है? इसके जवाब में टूनी कहती है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या जंगल में कोई अजीब पंछी आया है जो रोज बकरी चुरा के ले जा रही है? वो दोनों मन ही मन सोचता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल के बाजार में एक महिला पंछी मांस बेच रही थी। उस समय टूनिम और उसका दोस्त काकातुआ कुछ सब्जी लेने जंगल के बाजार में गए। अचानक बाजार में एक नया मांस की दुकान देख के काकातुआ टूनिम को कहता है, देख टूनिम, एक नया मांस की दुकान खुला है,
पहले तो कभी नहीं दिखा। और वो औरत पंछी भी कौन है? इस पंछी को तो पहले नहीं दिखा। इस जंगल में तो एक ही मांस की दुकान है और उस दुकान की मालिक तेरे से ही बकरी खरीद के मांस बेचता है। इसके बाद काका तो टुनिन से पूछता है, क्या इस पंछी ने कभी तुमसे बकरी खरीदा था? अरे नाना, मैं तो इस पंछी को बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। फिर इस पंछी ने कहाँ से बकरी खरीदी? टुनिम और काकातुआ इस बारे में बात कर रहे थे। वो दोनों दुकान के सामने जाके पूछा कि, अच्छा आप कहाँ से बकरी खरीद के यहाँ पे बेच रही है? पहले तो इस जंगल में आपको कभी देखा नहीं है। उस पंछी ने कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। वो सिर्फ ये बोली कि, आप लोगों को उससे क्या लेना देना है? मांस लेना है तो लीजिए, नहीं तो यहाँ से जाइए। ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये बात सुन के टुनिम और काकातुआ और बात ना बढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब टुनिम और टुनी दोनों मिलके बातें कर रहे थे, तभी टुनिम टुनी से कहते हैं, आज सुबह मैंने देखा बाजार में एक नया मांस की दुकान खुला है और एक महिला पंछी वहाँ पे मांस बेच रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया वो पंछी कहाँ से मांस खरीद रही है। ये सुन के टुनी ने कहा, कहीं ये औरत ही बकरी चोर तो नहीं है जो हर रोज हमारी बकरी चुरा रही है? अरे ना 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 ना, ये कभी भी नहीं हो सकता। देखो बकरी तो हम बांध के रखते हैं और सब दुकानदार हमारे घर में आके ही वो खरीद के ले जाता है। उस पंछी को ये सब कैसे पता होगा? और सबसे बड़ी बात ये है, उस पंछी को तो इस जंगल में पहली बार हमने देखा। तभी टुनिम की बेटी टुनिका वहाँ आती है और अपने माँ बाबूजी से कहती है कि, मामा बहुत दिनों से मांस नहीं खाया, आज रात आप मांस बनाएंगे? टुनी अपनी बेटी को प्यार करते हुए कहती है, ठीक है बेटी, मेरी प्यारी बेटी को आज मांस खाने की इच्छा हुई है, मम्मी उसके लिए आज बहुत ही स्वादिष्ट मांस बनाएंगे। ये कह के टुनी उसके पति से कहती है, आप जाओ बाजार से मांस ले आओ, बहुत दिनों से हमारी बेटी ने मांस नहीं खाई। इसके बाद टुनिम शाम को जंगल में जो बाजार है वहाँ पर गया और बाजार जाके टुनिम ने देखा कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। सारी दुकान बंद हो चुके थे, कोई भी पंछी वहाँ नहीं था। फिर वो मन ही मन बोला कि, एक बार उस औरत के दुकान में जाके देखते हैं, अगर खुला रहेगा तो। इसके बाद टुनिम उस दुकान की तरफ जाता है। वहाँ जाके देखा कि दुकान बंद है, लेकिन दुकान के अंदर से एक रोशनी दिखाई दे रहा है। वो देख के टुनिम ने मन ही मन सोचने लगा कि, दुकान तो बंद है लेकिन घर के अंदर थोड़ा सा भी मांस पड़ा होगा तो मेरी बेटी वो खा सकती है। कितने दिन से बेचारी मांस नहीं खाई, अब बहुत दिन के बाद वो पापा से कुछ मांगी है, आज तो उसे मांस खिलाना ही पड़ेगा। ये कह के वो दुकान की तरफ जाता है और खिड़की से झांक के देखता है कि वो पंछी अचानक से एक पंछी डायन के रूप धारण की, फिर वो बकरी को मार कर चीड़ चीड़ के खाने लगी और वो खाते खाते ही कहती रही कि, अरे अरे ये बकरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, चलो जाके और एक बकरी चुला लाती हूँ। उस बकरी को काट कर आधा खा लूंगी और आधा कल सुबह दुकान पर बेच दूंगी। बहुत मजा आएगा। टुनिम ये सब देखते और सुनते हुए दरवाजा खोल के सीधा अंदर चला गया और पंछी डायन से पूछा कि, ए, तुम क्यों मेरे दुकान से बकरी चुरा के लाती हो? क्या चाहती हो तुम? देखो हम लोग बहुत गरीब पंछी हैं, हमारा इतना नुकसान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? ये सुनकर पंछी डायन ने टुनिम से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू अंदर आके मुझसे इतना सवाल कर रही है, आज तो तुझे ही मार के खा जाऊंगी। ये बात सुन के टुनिम बहुत डर जाता है और वो पंछी डायन से कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन वो पंछी डायन कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी और वो जब टुनिम को पकड़ने है, तभी वहाँ पर टुनी पहुँच जाती है और कहती है, मुझे पहले से ही पता थी
ऐसी कुछ होने वाली है। हमारे घर से बकरी चुराने के पीछे इस औरत का हाथ है। टुनिम, तुम एकदम चिंता मत करो, ये पंछी हमारी कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। ये कह के टूनी पूजा की हुई पवित्र गंगा जल पंछी डायन की तरफ छिड़काया, जो उसने अपने साथ लाई थी। पंछी डायन के ऊपर गंगा जल पड़ते ही आग लग जाती है और वो चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मैं जल गई, बचाओ। इसके बाद वो पंछी डायन जलकर राख हो गई और हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। फिर कुछ दिन बाद टूनिम और टूनी एक मांस की दुकान खोलती है। जंगल के सारे पंछी वहाँ से ही मांस खरीदने लगे। मांस खाके सब बहुत खुश हुए। धीरे धीरे करके टूनिम का कमाई भी बढ़ गई। फिर वो एक सुंदर सा घर बनाया। कुछ दिन बाद वो लोग एक गाड़ी भी खरीद ली। उसके बाद सब मिलके खुशी खुशी से रहने लगे। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। नाम लिख के ये रियो वर्ड्स चैनल जो सब्सक्राइब करेगा, उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है, इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्दी ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है।